let's draw the graph of the function. Y is equal to minus x square plus 5x minus 6. Okay. So a is negative. Okay. And d is what? B square minus 4ac. That will be 1. D is positive. D positive means graph will cut the x-axis at two distinct points. And roots of the equation is x is equal to 2 and x is equal to 3. So it will cut at x is equal to 2 and x is equal to 3. Graph will be downward parabola. Okay. And the vertex point corresponding to x minus b by 2. Minus b by 2 is what? 5 by 2. Okay. Okay. The graph will be just like downward parabola. At x is equal to 0, value will be minus 6. X is equal to 0 पर y का वैल्यू कितना रहा है माइनस सिक्स तो ग्राफ विल बी लाइक दिस तो रेंज कितना हो गया माइनस इन्फिनिटी से 1/4 अच्छा माइनस फाइव मतलब सॉरी 5/2 पे जो वैल्यू अटेन होगा दैट विल बी द माइनस डी बाई फोर है ना तो 5/2 को यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 1/4 तो रेंज कितना हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 1/4 ओके जैसे ग्राफ बना रहे ये देख रहे हैं डी चेक कर रहे हैं रूट्स पता चल रहे हैं कितने हैं कितने पॉइंट पर कट करेगा ये सब अब देखो ये भी एक y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x यहाँ पे a पॉजिटिव है d कितना आएगा देखो जीरो आएगा d जीरो आएगा मतलब x एक्सिस को टच करने वाला है ओके किस पॉइंट पर करने वाला है तो जो वर्टेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट आएगा तो ये वर्टेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा माइनस b बाई टू है 4/8 2a 1/2 यानी 1/2 पर ऐसे टच करेगा यहां से वर्टेक्स और टच करेगा तो इसका वैल्यू भी कितना हो गया इस पॉइंट पर जीरो हो गया तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो जीरो है जीरो से ग्राफ नीचे नहीं आ रहा है इसे तो इसका मतलब रेंज हो गया जीरो से इन्फिनिटी मिनिमम वैल्यू क्या है जीरो मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन ही नहीं कर सकते क्योंकि वो तो इन्फिनिटी तक जा रहा है तो पहले वाले केस में क्या हो रहा था कि मिनिमम वैल्यू डिफाइन नहीं था बट मैक्सिमम वैल्यू था 1/4 ओके रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ओके तो ग्राफ कैसे बनता है क्वाड्रेटिक का देखो अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है अगर ए नेगेटिव है तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है ए पॉजिटिव है तो वो मिनिमा देगा फिर अप टू इन्फिनिटी तक चला जाएगा एक अगर ए नेगेटिव है तो माइनस इन्फिनिटी से आएगा एक मैक्सिमा देगा फिर वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा तो ओवरऑल रेंज मतलब रेंज का मतलब फंक्शन का जो वैल्यू है वो कितना कवर हुआ है ना तो जब ए पॉजिटिव है तो वैल्यू क्या हो रहा है ये मिनिमम वैल्यू कितना दे रहा है माइनस डी बाई फोर है तो यहां पे जो रेंज होगा वो माइनस डी बाई फोर से लेके इन्फिनिटी तक है ना और यहां इस वाले केस में रेंज कितना बोलेंगे हालांकि ये टॉपिक हमने ग्राफ में कवर कर लिया कि रेंज कैसे लिखते हैं बट फिर से बता रहे हैं कि माइनस रेंज कितना होगा यहां पर माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई फोर है ना तो ओवरऑल जब तक मतलब उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो भी है मतलब जैसे हम किस एक्सप्रेशन की यहाँ पे ए डी सब किसके लिए लिखा जा रहा है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्वाड्रेटिक है तो ए का मतलब स्टैंडर्ड है यहाँ पे जो हम फॉर्मूले में यूज कर रहे हैं उसे का मतलब कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है ये सब पहले ही डिस्कस कर चुके हैं बट ओवरऑल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए रेंज क्या होने वाला है माइनस डी बाई फोर से लेके इन्फिनिटी फॉर ए पॉजिटिव फॉर ए नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई फोर ओके एंड नाउ द रेंज ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन अ पर्टिकुलर डोमेन अब सपोज के किसी भी एग्जाम्पल से समझते हैं जैसे सपोज के वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स है सपोज ये क्वाड्रेटिक है इसका ओवरऑल ग्राफ कैसे बनेगा इसके रूट्स 2, 3 आएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा ग्राफ तो ये 2 है और ये 3 है ओके ये 0.6 है अब इसका ओवरऑल रेंज क्या होगा ओवरऑल रेंज तो ये 5/2 पे जो वैल्यू आएगा ना इसका ये 5/2 पे जो ये वैल्यू आएगा इस पर्टिकुलर वैल्यू से लेके इन्फिनिटी तक चला जाएगा ओके बट ओवरऑल रेंज तो कितना हो जाएगा इस मिनिमम वैल्यू से लेके इन्फिनिटी तक बट कभी कभी क्वेश्चन में क्या है कि तुमसे फिक्स्ड डोमेन के लिए वो रेंज पूछेगा मतलब फिक्स्ड पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स की डोमेन में तो जैसे मैंने सपोज बोल दिया कि फाइंड रेंज
फॉर एक्स बिलोंग्स टू, जैसे कुछ भी, जैसे मैंने बोलते हैं वन से लेके वन से थ्री बोल दिया, जैसे वन से थ्री में रेंज बताओ फॉर इस एक्स के लिए क्या रेंज आएगा, तो एक्स इज इक्वल टू वन तो यहां पर है, इस पर्टिकुलर वन पर क्या वैल्यू आएगा, इस वन पे वन रखने पर यहां पे क्या वैल्यू आएगा, टू वैल्यू आएगा, ये तो जीरो कोमा टू है मतलब ये वाला, और थ्री ये है, थ्री पर वैल्यू कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो रूटी है, तो वन से लेके थ्री तक, वन से लेके जो थ्री है उसमें कितना ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, ये इस वाले ग्राफ को सिर्फ ये वाले ग्राफ देखना है, अभी बात सिर्फ इस ग्राफ की चल रही है, जब तक एक्स वन से थ्री जा रहा है तब तक ग्राफ ने क्या किया, यहां से लेके डिक्रीज हुआ, एक मिनिमम वैल्यू पकड़ा और फिर ये इंक्रीज करके यहां पर आ गया। ओके, तो इस वाली डोमेन में, इस वाली डोमेन में रेंज का मिनिमम वैल्यू तो वही आ रहा है जो आ रहा था ओवरऑल, ये कितना आएगा, जीरो कॉमा फाइव बाई टू रखने पर आएगा माइनस वन बाई फोर, आई थिंक चेक कर लेना, तो कोई भी है माइनस वन बाई फोर सब कुछ वही आएगा सही। और देखो वन से थ्री में चेक कर रहे हैं, तो वन से थ्री में चेक कर रहे हैं तो ये कितना रेंज हो गया, फिर इसका मिनिमम वैल्यू कितना लिया है माइनस वन बाई फोर, और मैक्सिमम वैल्यू कितना अटेन किया इस इंटरवेल में, ये कितना था जीरो कोमा टू, तो देखो मिनिमम कितना गया है माइनस वन बाई फोर पर, मैक्सिमम कितना है टू पर, तो ये रेंज हो गया। अच्छा, तो सपोज कि उसने बोला होता कि टू से फाइव फाइंड रेंज फॉर एक्स बिलोंग्स टू 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 फाइव, तो टू पर यहां पर है, टू से ऐसे गया नीचे माइनस वन बाई फोर फाइव, फिर देखो फाइव रखने पर जो ये वैल्यू अटेन होगा यहां पर, जो भी वैल्यू आएगा, उस इस माइनस वन बाई फोर से लेके कहां तक हो जाएगा, जो वाई वैल्यू फाइव पर आएगा, क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू फाइव पर आने वाला। अच्छा, सपोज कि उसने बोला कि रेंज बताओ थ्री से फाइव में, इस एक्स के लिए रेंज बताओ, एक्स कितना दे रखा है थ्री से फाइव, तो थ्री से फाइव में क्या हो रहा है, ये थ्री पर वैल्यू जीरो है, फाइव पर वैल्यू जो आएगा, ये सपोज कोई भी वैल्यू आ रहा है, तो ये ग्राफ आएगा, तो थ्री पर वैल्यू अटेन कर रहा है थ्री, सॉरी जीरो, और फाइव पर जो वैल्यू अटेन करेगा वो, तो यहां जीरो से लेकर उस वैल्यू तक उसका रेंज होगा। तो यहां पे तो सिंपली क्या है कि थ्री पे जो वैल्यू आ रहा है और फाइव पे जो वैल्यू आ रहा है वही रेंज हो गया। बट जो पिछले वाला केस था, जैसे वन से थ्री में जो हम वैल्यू ले रहे थे, तो वन पर जो वैल्यू आ रहा है वो तो टू आ रहा है, बट थ्री पे जो वैल्यू आ रहा है वो जीरो आ रहा है ना। वैसे नहीं बोलेंगे कि एक्स अगर वन से थ्री है तो रेंज हो जाएगा एफ ऑफ वन से लेके एफ ऑफ थ्री, या फिर एफ ऑफ थ्री से एफ ऑफ वन, ये नहीं, वो तो डिपेंड करेगा कि उस इंटरवल में ग्राफ इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, या डिक्रीज इंक्रीज दोनों कर रहा है, इस पर डिपेंड करेगा। तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में अगर तुम्हें रेंज निकालना है तो पहले तुम्हें वो वाला पॉइंट चेक करना पड़ेगा जिस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा है, मतलब माइनस बी बाई टू उस इंटरवेल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सपोज मैं इस इंटरवेल की बात कर रहा था थ्री से फाइव, तो ये तो इंक्रीजिंग वाला ग्राफ है, इसमें तो माइनस बी बाई टू वाला पॉइंट आया ही नहीं। अच्छा, सपोज मैं अगर पूछता कि रेंज बताओ जीरो से टू में, तो जीरो से टू में जीरो पे वैल्यू सिक्स था, टू पे वैल्यू जीरो था, जीरो से सिक्स रेंज हो जाता। बट अगर मैं वन से लेके थ्री पूछा तो वो जो माइनस बी वाई टू वाला पॉइंट है वो तो बीच में आ रहा है, मिनिमम वैल्यू तो उसी पे मिलेगा फिर। तो सबसे पहले चेक क्या करना है कि वो जो माइनस बी वाई टू वाला पॉइंट है वो जिस डोमेन में वो पूछ रहा है उसमें वो लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो उसमें लाई करेगा तो फिर मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू तो उसी पॉइंट में मिलेगा, और बाकी जो इसके अलावा जो पॉइंट पे जो वैल्यू है उन पर कंपैरिजन करेंगे किस पे ग्रेटर है किस पे लेस है। ओके, सो और फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। ओके, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन इन डिफरेंट कंडीशन, x बिलोंग्स टू r, फॉर x बिलोंग्स टू जीरो टू थ्री, एंड फॉर x बिलोंग्स टू माइनस टू टू जीरो। ओके, फर्स्ट पार्ट इज वॉट, x belongs to R, ओवरऑल रेंज क्या होने वाला है इस फंक्शन का, तो वो तो माइनस डी बाई फोर से लेके इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अपवर्ड पैराबोला है तो मिनिमम वैल्यू लेगा माइनस डी बाई फोर, और वो आएगा माइनस फोर, और वहां से लेके इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ओके, अब फॉर x belongs to जीरो जीरो से थ्री, अब ये एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में रेंज पूछ रहा है, फॉर x belongs to जीरो से थ्री, तो फर्स्ट फाइंड x is equal to माइनस बी बाई टू है, विच इज x is equal to वन, then find the value at x is equal to 0, at x is equal to 3, and x equal to 1.
ओके वाई इज इक्वल एट एक्स इक्वल टू जीरो कितना आएगा, थ्री आए माइनस थ्री, थ्री पर कितना वैल्यू आएगा जीरो, वन पे कितना वैल्यू आएगा माइनस फोर। अब इनमें से जो ओवरऑल माइनस, जो ओवरऑल सबसे मिनिमम है वो कितना है माइनस फोर, मैक्सिमम कौन है जीरो, तो रेंज क्या हो गया माइनस फोर से जीरो। अगर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में रेंज पूछ रहा है तो फर्स्ट फाइंड कि वो जो माइनस बी बाई टू वाला पॉइंट है वो उस डोमेन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो फिर उस पॉइंट पे भी वैल्यू निकालेंगे। और जो यहां से यहां तक x1 से x2 जा रहा है, जैसे सपोज ये 0 से 3 है, तो इन दोनों पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे, तो तीनों में से जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम, मिनिमम है वो मिनिमम। अब x बिलोंग्स टू माइनस टू टू जीरो, x बिलोंग्स टू माइनस टू टू जीरो। अब देखो x बिलोंग्स, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू क्या आ रहा था, वो तो 1 आ रहा था, वो तो इसकी डोमेन में नहीं है, वो तो इस इंटरवेल में है ही नहीं, तो फिर इसको इग्नोर कर दो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो माइनस टू पे वैल्यू निकालो, जीरो पे वैल्यू निकालो, जीरो पे कितना वैल्यू आ रहा है माइनस थ्री, टू पे कितना वैल्यू आ रहा है फाइव, तो रेंज क्या हो जाएगा माइनस थ्री से फाइव। ऐसे निकालते हैं।